यूसुफ मोहिउद्दीन लिखते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसमें अल्कोहल मिक्स होता है। ये बहुत नाजुक मसला आप शेयर नहीं है। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बाद उलमा की जो तहकीक है जिसको मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई मुत्तकी है, बचना चाहता है तो शौक से बच्चे, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी खलील मकदार में नशा नहीं होता, कसीर मकदार में नशा होता है। कम अल्कोहल अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें नशा नहीं होता, कुछ मखसूस मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ही नशा होता है। उसकी बेहतरीन मिसाल आप खांसी की दवा को ले लीजिए, ढक्कन दो ढक्कन चमचा दो चमचे पीने से नशा नहीं आता। सुनने में आता है कि अगर एक साथ एक या दो बोतलें पी ली जाएँ खांसी की दवा की सिरप की तो नशा चढ़ जाता है। तो अल्कोहल का मामला ये है कि उसकी खलील मकदार से नशा नहीं आता, कसीर मकदार से नशा आता है। तो मैं जो सही समझ रहा हूँ वो भी मेरी तहकीक नहीं, आलम अरब के जिद मुस्तनद उलमा की तहकीक में पेश नकल कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, कि अगर अल्कोहल इतनी कम मकदार में है कि उसके इस्तेमाल से अगर नशा नहीं आ रहा है तो ऐसी दवा इस्तेमाल की जा सकती है। अगर अल्कोहल कसीर मकदार में है, उसके इस्तेमाल से नशा आ रहा है, तो फिर वो हराम है। और आमतौर पर दवाओं में जो अल्कोहल होता है गालिबन इतनी मकदार में नहीं होता कि जिसके इस्तेमाल से नशा आ जाए, तो ऐसा अगर है तो जाए।